एसटीएस इंटरमीडिएट कैटेगरी में आज हम सेनानम्स और इंटरनम्स पे स्लाइड कर रहे हैं। इंग्लिश कैटेगरी में हमने फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पे तीन वीडियोस किए हैं, जिसमें अराउंड 100 तक हमने फिक्स्ड प्रीपोजिशंस देखी हैं, जिनको हम अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस भी कहते हैं। अभी हम कुछ हम सेनानम इंटरनम्स भी करेंगे अलॉन्ग विथ जीके। वैसे तो जो सेनानम या इंटरनम्स आते हैं, वो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज दिया होता है एसटीएस वालों ने, उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो सेनानम या एंटानम पूछते हैं। मतलब जैसे नॉर्मल टेस्ट में ऐसा होता है कि वो आपको वर्ड बाय वर्ड पूछते हैं, लेकिन एसटीएस का ये डिफरेंस है कि ये मतलब जो एक पर्टिकुलर वर्ड होता है कि वो ये पूछते हैं कि इस पैसेज में उसकी क्या मीनिंग है। बट स्टिल वी विल ट्राई कि हम कुछ बेस्ट वर्ड्स सेनानम एंटानम करें। पहला वर्ड है हमारा एब्डक्ट, जिसका मतलब होता है किडनेप, अगवा कर देना, जिसका सेनानम है किडनेप। एब्रोगेट, जिसका सेनानम है कैंसिल, कोई चीज़ रद्द कर देना। इग्नोरेंट, जायल को बोलते हैं, उसका सेनानम है क्लूलेस, जिसको कोई आइडिया ही नहीं हो। हर्टफुल, बड़ी दिल वाला, सिंसियर, सच्चार। इम्पेड, किसी रुकावट को बोलते हैं। हिंडर, उसका सेनानम है, सो इम्पेड हिंडर मतलब कोई रुकावट। लैंग्वेज बोलते हैं लिस्ट प्लेस को, बिना लिस्ट वाला। रैपेल कहते हैं एबोलिश को, ख़त्म करना। सो इन वर्ड्स को रिमेंबर करने का एक बेस्ट तरीका है कि इनको आप एक बार अपनी रफ कॉपी पे लिख के इन पे एक एक सेंटेंस बना दें, तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। अब इस पे हमने कुछ पांच एंटोनम किए हैं इस स्लाइड में, जिसमें पहला है मैग्नीफाई। अब मैग्नीफाई बोलते हैं किसी चीज़ को बड़ा करना, मैग्नीफाइंग जैसे ग्लासेस वगैरह होते हैं। और इसका जो एंटोनम है, अपोजिट वर्ड है, दैट इज़ डिमिनिश, किसी चीज़ को कम करना, घटाना। कीन होता है बंदा जो इंटरेस्टेड हो किसी चीज़ में, बहुत दिलचस्पी रखता हो, एक्टिव हो। इसका अपोजिट है डल, जो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाए, लेजी रहे। थर्ड वन इज़ जॉयस, मतलब जो कि खुश हो, हैप्पी मिजाज हो। और इसका जो अपोजिट है, दैट इज़ ग्लूमी, सैड टाइप, परेशान, गमगीन। ज़ीनथ बोलते हैं ऊंचाई को, हाइट को, मतलब के टॉप हो बंदा, मतलब किसी चीज़ में हाई लेवल पे हो। और नादिर बोलते हैं लोएस्ट पॉइंट को, मतलब निचली पॉइंट। नर्वस बोलते हैं परेशान हो जो बंदा, और इसका जो एंटोनम है, दैट इज़ बोल्ड। अब इस मैंने, ये मेरा पहला लेक्चर है सेनानम एंटोनम में, तो मैंने कुछ जस्ट फॉर स्टार्टिंग मैंने ये कुछ थोड़े वर्ड्स लिखे हैं। इंशाल्लाह सून आई विल कम विथ मेनी वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।